महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। सौजन्य से रामजी पुरी मित्र मंडल जैसी नगर। डीजे कुशवाहा। सरपंच द्वारा किए गए चेक में सचिव ने कूड़ा रचना कर 2,000 रुपए की जगह 1,02,100 रुपए बैंक के निकलवाने के मामले कोर्ट ने 11 साल बाद सचिव को 10 साल की सजा सुनाई और 16,000 रुपए जुर्माना किया। रनछिपा गांव के सरपंच राधा भाई ने सचिव दीपक गोस्वामी को 2,400 रुपए की चेक दिया था। सचिव ने चेक को 2,100 जगह 1,02,100 लिखवा कर आरत किए, जिसकी शिकायत 28 अक्टूबर 2009 को बीना थाना दर्ज कराई गई। कोर्ट में 11 साल की सुनवाई के बाद सचिव को 10 साल की सजा सुनाई, साथ ही 16,000 जुर्माना किया। आज दीपक गोस्वामी जो सचिव के पद पर कार्यरत था, वर्ष 2009 की घटना है। उस समय सरपंच हिरणछिपा डुरुआ की राधा भाई थी, उसने एक चेक जारी किया था 2,400 रुपये का, जिस पे सचिव दीपक गोस्वामी ने हेरा फेरी कर उस चेक को 1,24,000 रुपये की राशि बनाकर उस चेक को बैंक से भुना लिया। जब फरियादी या सरपंच राधाबाई ने पासबुक में एंट्री कराई तब उसको उसके इस कृत्य का पता चला। फिर उसने थाना बीना में रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने मामले की विवेचना की और आरोपी दीपक के विरुद्ध अपराध किया जाना घटित पाए जाने पर मामला न्यायालय में पेश किया। वर्ष 2009 से आज तक मामले में विचारण चला और आज माननीय न्यायालय ने आरोपी दीपक गोस्वामी को सजा और अर्थदंड की सजा सुनाई। धारा 467 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 409 में भी 10 वर्ष का सश्रम कारावास, 468 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास और 477A में 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, साथ में अर्थदंड भी उसको सुनाया गया।